वो मना थोड़ी कर रहा है कि ये ना मांगो वो ना मांगो। हो सकता है मुझे मांगना ना आता, हो सकता है मुझे ये नहीं पता कि ये जो मैं मांग रहा हूँ सही है कि गलत है, ये नहीं पता। हो सकता है भाई मांगो तो सही उससे, उससे बात तो करो। हाँ परवरदिगार तू जानता है। हम इधर जवान माशाल्लाह बैठे हुए, जवान है, गुनाह हो जाए नहीं बच पा रहा, गुनाहों से नहीं छुटते गुनाह। भाई इंसान है ना, हर चीज आसानी है ना आजकल। अब ये किससे कहे, किसी से नहीं कहो, खुदा की बारगाह में जाओ। परवरदिगार तू जानता है मेरी कमजोरियां क्या है, तू जानता है मुझे मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। परवरदिगार तू खालिक है, तू चाहे तो सब कर सकता है। भाई ये जो हार्डवेयर है अंदर और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर उसके अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सबके पास है, सॉफ्टवेयर में ही सबके फर्क होता है ना। मतलब एक आदमी गुनाह को देख कर छोड़ देता है, गुनाह देखता है छोड़ देता है, एक गुनाह देखते ही गिर जाता है। मसला किसका होता है, हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर कमजोर है, या यूं कह लें कि उसके अंदर बग्स आए हुए हैं आजकल की जवानों की जबान में, और उस बग्स की वजह से वायरस बहुत जल्दी आ जाता है। तो अब कैसे सही होगा, ये कौन सही करेगा? आप उसकी बारगाह में आंसू बहाए, वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। कुरान का बेहतरीन वाकया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचे तो लेखा सामने है, सात दरवाजे बंद हैं, सात दरवाजे बंद हैं, यानी इंसान इस तरफ आ गया कि डेड एंड है, सामने गुनाह। लेकिन हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मतलब जो रेखा को कि मतलब तुम्हारा शौहर क्या सोचेगा या क्या, कुछ नहीं। खालिक परवरदिगार तेरी बना चाहता, खुदा ने क्या किया है? असल हजरत यूसुफ को रेखा तो नजर ही नहीं आ रही थी, शैतान नजर आ रहा। कैसे होता है ये वाकया, ऐसे नहीं है, कुरान ऐसे किस्से बयान नहीं कर रहा। यानी जब आप खुदा की तरफ जाएंगे, खुदा आपके लिए गुनाह की लज्जत को खत्म कर देगा, लज्जत गुनाह नहीं रहेगी ना, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि लज्जत तड़के लज्जत में है, असल लज्जत तड़के लज्जत में, करके ना देखो एक दफा, फिर जो मजा आएगा खुदा की बात पर। देखा सब सब कुछ था, मैंने तेरी वजह से उस मकाम पे आदमी पहुंच चुका है कि कायनात अपने दरवाजे खोल देती है बंदे के लिए कि ऐ बंदे मैंने इन सारी चीजों को तेरे लिए बनाया है, अगर तुझे मिले